तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं आई थिंक आप सभी लोग एंजॉय करते होंगे आप इस टाइम की जो कोरोना वायरस की छुट्टियां हैं, घर पे मौज या मस्ती तो नहीं होगी लेकिन घर इस समय जेल की तरह लगता होगा। तो आज का ये वीडियो मैं इसके एक कमेंट स्पेशल कमेंट बनाने वाला हूँ, जिसने हमारे व्यूवर हैं जिन्होंने ऑफिशियल कमेंट करके पूछा है, लेकिन हम उनका नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि उस बंदे ने बोला है कि मेरा नाम हाइड करके रखें, सो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन उनकी एक इस ऑफिशियल ट्रिक्ट भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि उनका एक ऑफिशियल कमेंट आया था, सो उस कमेंट पे मैंने इस वीडियो को बनाने का फैसला लिया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे आप बिना मतलब किसी भी, जैसे व्हाट्सएप किसी भी बंदे से बात करते हैं और बात करते हैं कि टाइम उसमें मतलब बहुत सारे उसमें होते हैं कि आपको उसको ऑनलाइन देखना है, कितने टाइम वो ऑनलाइन रहती है, कब ऑफलाइन जाती है, कितने टाइम व्हाट्सएप यूज करती है। इसलिए होता क्या है, आपको बहुत सारी लड़कियां इग्नोर करती हैं, सो आप उसमें मतलब बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, तो आप उसमें सोचते हैं कि उसमें कितने टाइम व्हाट्सएप ऑनलाइन रहे, कितना टाइम ये सब देखते हैं, साथ ही उसने क्या क्या किया, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में आपको सारा ए टू जेड बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप, यहाँ तक कि आप जैसे ऑनलाइन आएगी तो आपको मोबाइल में एक नोटिफिकेशन यानी कि रिंग के सहित आ जाएगा, साथ ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज की इस वीडियो में ऐसा ठीक बताने वाला हूँ, जैसे ऑनलाइन आएगा तो भी आएगा, लेकिन अगर वो बंदी या बंदा ऑफलाइन होता है तो भी आपके पास एक नोटिफिकेशन साथ में मैसेज चला जाएगा। तो कैसे करना है वो ट्रिक आपको इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। उसके लिए चलना पड़ेगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और वहाँ पे स्क्रीन पे आपको बताऊंगा कैसे करना है उस ट्रिक को, और इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे। तो इस वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि मैं ऐसे नई वीडियो डालूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो रहती है, आपको नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और नोटिफिकेशन मिलने की वजह से आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो गाइस, मैं फाइनली अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और स्क्रीन पे आपको फटाक से एप्लीकेशन को मैं यूज करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से एप्लीकेशन वर्क करता है और किस तरह से आपको ये सेटिंग करना है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल की प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है डस्टा। यहाँ पे अपने फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिए, और प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है, डस्टा को टाइप कर लेना है। यहाँ पे आपको DASTA, यहाँ पे आप जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको सक्सेसफुली डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड मैं करके रखा हूँ पहले से ही, और जैसे आप इसको डस्टा को ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे फटाक से इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ करना है। मैं यहाँ पे अलाउ किया, अलाउ करने के बाद फिर से इसका परमिशन दे दें, और यहाँ पे थोड़ी देर बस काम अपना करना चालू कर देगा। बस यहाँ पे स्पीड करना है, इसको स्पीड करके मैंने सारा चेंज कंडीशन पढ़ लिया, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डाल के रखा हुआ है, सो आपका ये इस कॉन्टेक्ट से ऐसे दिखाएगा, जो मैं अपना पर्सनल खुद का ही नंबर एक जो डाउनलोड करके रखा हुआ है आपको इस तरह से दिखाएगा। मैं यहाँ पे आप दूसरा नंबर एक करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको सक्सेसफुली दूसरा नंबर करके दिखाता हूँ। अब मैं इसको करके दिया हूँ, इस नंबर को आपको डालना है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालते हैं, डालने के लिए आपको सेम टू सेम ऐसा ही करना है। यहाँ पे आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है, टेलीग्राम व्हाट्सएप bk.com, यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाना है, और यहाँ पे आपको स्टेट कोड के सहित डालना है आपको इस तरह से, जहाँ पे आपका नंबर हो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे आपको कैसा करना है, यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करना है, यहाँ पे आप जैसे मैंने ऑफलाइन हुआ मेरा व्हाट्सएप तो नोटिफिकेशन आ चुका है, प्लस रिंग टोन ही बजेगा, मैं रिंग टोन चालू करता हूँ क्योंकि मैं फोन साइलेंट मोड में डाल के रखा हूँ, इसके लिए वो नहीं दिखेगा। तो प्लस की आइकन करना है, साथ अपने कंट्री का कोड जरूर डालना है, मेरे इंडिया का कोड है 91, और इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे कर लेता हूँ 9173198534। यहाँ पे मैं ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पे दिखा हुआ द लिमिट फॉर एडिटिंग मैसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है मेरा एक मैसेज आजकल डाउनलोड करके रखा हुआ मैंने एक दिन के लिए, सो आपका ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। सिर्फ यहाँ पे अधिकतर करेंगे तो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि उसका सर्विसन पहले लेना पड़ेगा, जो कि इसका जो है मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, जैसे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिमिटेड पे कर सकते हैं, जैसे दो चार यहाँ पे अनलिमिटेड है, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा, जो कि उसका पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही काम करना है, इसमें आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे जाना है और नंबर यहाँ पे ऐड कर लेना है कंट्री के साथ। यहाँ पे एक बार वापस करके दिखाता हूँ इस एग्जांपल के लिए,
यहाँ पर आप कोई सा भी नंबर डालेंगे, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए कोई नंबर डालता हूँ, आपको नंबर डालना है, इसके बाद इस तरह से आपको करना है, ओके करेंगे तो आपका हो जाएगा ठीक है। अभी ये नहीं होगा कि मैं तो एक के ऐड करके रखता, आपको सिर्फ एक ही ऐड करके रखना है कुछ इस तरह से। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन आके आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप उसे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ इसको बैकग्राउंड से व्हाट्सएप को क्लोज करता हूँ, और क्लोज करने के बाद यहाँ से फटाक से वापस व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। मैं व्हाट्सएप चालू किया और यहाँ पे आप देखेंगे मेरे ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाएगा तुरंत। यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर ले, देख सकते हैं मेरे फोन का नोटिफिकेशन आ चुका है व्हाट्सएप राकेश कुमार ऑनलाइन। यहाँ पे आपको नाम भी पूछेगा, जब आप पहली बार नाम नंबर डालेंगे तो आपको नाम ही पूछेगा कि आप किसके नाम से देखना चाहते हैं इसका नोटिफिकेशन। आपको वहाँ पे सक्सेसफुली कर लेना है। अगर आप, मैं ऑफलाइन होता हूँ, आप यहाँ पे ऑफलाइन हो जाता हूँ, बैकग्राउंड से क्लोज करता हूँ व्हाट्सएप को, बस आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सक्सेसफुली व्हाट्सएप में आ गया राकेश कुमार ऑफलाइन। यहाँ पे आप ये भी सेटिंग से एकदम सक्सेसफुली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें और सारे पूरे डिटेल देखना चाहते हैं, दिन भर की पूरे डिटेल कि उसने कब ऑनलाइन आया और कब ऑफलाइन हुआ, तो भी आपको करने के लिए आपको कैसा करना पड़ेगा वो आपको यहाँ से मैं वो भी बताता हूँ। इस एप्लीकेशन को ओपन करना है आपको, और ओपन करने के बाद उस जिस नंबर का आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने फर्स्ट टाइम 18:15 ऑनलाइन आया 15:34 पे, और यहाँ पे सारा का सारा डाटा इसे दिया हुआ है। 18:01 पे आया, फिर 19:21 पर उसका लास्ट सीन हुआ, और फिर 16:29 पर उसका हुआ, तो यहाँ पे 17:13 लास्ट सीन हुआ। इसके बाद 15:34 पे ऑनलाइन आया, तो 15:35 पर ऑफलाइन हो गया। तो इस तरह से आप पूरा दिन के उसकी डिटेल निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आप इसके से अच्छी तरह से सीख गए होंगे। लेकिन आपको एक चीज यही है कि आपको सिर्फ यहाँ पे एक ही कनेक्ट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप अधिक ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन पैक लेना पड़ेगा, जिसके आपको पैसे लगेंगे। तो आई होप कि आप इस तरह से अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। तो एक बार मैं आपको वापस करके दिखाता हूँ, जो आप जैसे ऑनलाइन आएंगे आपका एप्लीकेशन जो है एक बार नोटिफिकेशन वापस दे देगा। व्हाट्सएप को चालू किया और सक्सेसफुली यहाँ पे आप देख सकते हैं राकेश कुमार ऑनलाइन आ गया है, जो कि मैं दोबारा करके देखता हूँ। इसको व्हाट्सएप को बैकग्राउंड से क्लोज करता हूँ, क्लोज किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन के साथ आता, लेकिन मैं मोबाइल को साइलेंट मोड में रखा हूँ इसके लिए ऐसा नहीं आ रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑफलाइन हो गया हूँ। सारे डिटेल मैंने पूरे दिन के कैसे निकालता है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग धमाकेदार लेके ट्रिक के साथ। तभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और साथ ही आगे तो पता ही है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।